इज ए गुंडा इन द फेस ऑफ पुलिस, ही मे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए टेररिस्ट। आप क्योंकि पुलिस की वर्दी में, इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है, इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए। SHO के SC/ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो FIR लॉज होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉज होगा? एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। तो इनके फोन का जांच हुआ? सुन लिया आपने मिस्टर खान, इन लोग का तो कोई आवाज है नहीं उस उसमें। नहीं, आवाज नहीं है। दूसरी बात और है कि ये कोर्ट यहाँ ट्रायल नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज सर्टेनली अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हाँ, इसमें हुजूर एक बात और है, इन्होंने कहा एक एक मेरी इस बात का जवाब। हाँ जी, अभी हमने इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार FIR करने के लिए? FIR का क्या उसके, और जो उन्होंने जो पिटीशन दिया FIR का, उसकी कॉपी तो इसमें लगाया नहीं उन्होंने। आप उल्टा बस मत कीजिए। यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। हम तो समझ, यू आर ए स्टेट, यू डोंट आर्गू लाइक एन एडवर्सेरियल लिटिगेंट। भाई आपकी प्राइवेट लड़ाई नहीं है इनसे, वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं, आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये ना जलके। हम पूछा हुजूर की FIR, अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूं इसको, बट दीज आर द मैटर्स विच आर गिविंग राइट्स टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजिबल ऑफेंस, एंड व्हेन दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू द पुलिस, व्हेन वन ऑफ योर पुलिस ऑफिसर्स निशा हैड गॉन टू दैट प्लेस, देर आर एलिगेशंस अगेंस्ट हर, देर आर एलिगेशंस अगेंस्ट SHO, why FIR was not lost? Why FIR was not lost? Answer me this question first. FIR के लिए उनसे कहा गया हुजूर, FIR के लिए उनसे पूछा गया, वो FIR लॉज ही नहीं किया। अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो है इंस्पेक्टर, he is saying ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका। तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ लगा हुआ। FIR रजिस्टर हुआ फिर? ये तो है ही हुजूर, यहाँ लगा हुआ। FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर पेपर आया हुआ था। नहीं, ये पेपर एक आया हुजूर, उसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाके चोरी कर लिया है, जब ये गए नहीं वहां। तो मुश्किल चीज है, इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए जी हुजूर, वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको, एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे। लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पजेशन में था इस प्रॉपर्टी के, ये व्यक्ति पजेशन में था। इनकार कहां का यार हुजूरी, कहां का सर? अगर इनकार जब खुद ही छोड़ के चले गए तो ये क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बींग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, डोंट अटैच योर सेल्फ विथ वन ऑफ द पार्टीज, द रेमिफिकेशन विल बी वेरी बैड। इफ द पुलिस ऑफिसर्स स्टार्ट एक्टिंग इन कॉलिजन विद द पर्सन्स हु आर इंडल्जिंग इन अनलॉफुल एक्टिविटीज, देन दैट पर्सन नो लॉन्गर रिमेन्स ए पुलिस ऑफिसर, देन ही इज ए गुंडा इन द फेस ऑफ पुलिस, देन ही मे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए टेररिस्ट। You are using a state power. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? कहाँ फेंका है? तो कहीं नहीं ना कि हम फेंका हुजूर, ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको, गए नहीं। मुश्किल है, आप जो है डिफेंड करने लगते हैं, जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। इनके फोन का जांच हुआ? कितने बजे की घटना है,
इसमें तो लिखा हुआ 8 बजे की, 8 बजे की घटना है। आप क्योंकि पुलिस की वर्दी में इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है, अब ये सब स्थिति हो गई है, ये पहला केस नहीं है। दिस कोर्ट हैज कम अक्रॉस सेवरल केसेज ऑफ दिस नेचर, जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए, कैसे चौके, इनकी संपत्ति की जांच कराइए एंटी करप्शन ब्यूरो को, हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियास के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना। SC ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं, एलिगेशंस है। अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो FIR लॉज होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉज होगा? नहीं मैटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा। अगर ये पाया जाएगा कि ही हैज कमिटेड सर्टेन एक्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ही हैज एक्टेड लॉफुली इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन का। लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहाँ 197(CRPC) का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको? पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिल करके इन कनाइवेंस, आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए और आपके लिए फिर ही मे बी प्रोसिक्यूटेड विदाउट सैंक्शन, देर विल बी नो नीड ऑफ सैंक्शन इन सच केसेस। तो ये मुझे बताइए कि FIR लॉज क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे शाम तक FIR चाहिए, मुझे शाम तक FIR चाहिए, आप मंगवाइए। और जो भी रिटर्न कंप्लेंट आया है इनका, पिटिशनर का, दैट शुड बी रजिस्टर्ड एज ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इमीडिएटली एंड इन्फॉर्म दिस कोर्ट। एंड दीज टू ऑफिसर्स एज वेल एज मिस्टर चौबे, दे विल नॉट इन्वेस्टिगेट दोज केसेस। I will issue certain directions to SSP right now, and their conduct will be examined by the senior police officers. There are serious allegations. If those allegations are true, then that will have a wide ramification. धमकी भी दिया है, 2 दिन से उनको धमकी मिल रही है, कोई आदमी आके बोलता है तुम्हारी हत्या हो जाएगी, वो डरे हुए हैं।